चेकआउट करने लगे हैं और हम लोग जा रहे हैं सैदपुर विलेज, और उसके बाद हम चले जाएंगे घर. मैं जाऊंगी 4:30 बजे वाली बस पर और मौजम जाएगा अपने हवाई जहाज पे. तो अभी हम मिलते हैं आपसे सैदपुर विलेज में. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है. पास में एक छोटा सा गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है सैदपुर विलेज. और बड़ा मजा आ रहा है, एक छोटा सा, यू नो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म का सेट ही होता है. बिल्कुल ऐसे यहाँ पे क्या नाम देते हैं, छोटी छोटी दुकानें बने, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए हैं. वैसे नजर तो आपको सब कुछ ही आ रहा होगा. बिल्कुल. तो अभी हम फिलहाल ये देश पर देश यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लंच करेंगे. अभी तो टाइम नहीं, मतलब हुआ, मतलब 11:30 तो अब हम थोड़ा सा इस शहर पे एक्सप्लोर करेंगे. शहर को नहीं, ये गाँव है. अरे गाँव है, वैसे ये गाँव नहीं कस्बा है. हम लोग थोड़ा सा बता दें इस विलेज के बारे में कि यहाँ पर एक मंदिर है रामकुंड के नाम से. और इस्लामाबाद की भी अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद का जो एंशियंट नेम है, जो बहुत पुराना नाम है, यानी कि जब इस्लामाबाद आबाद नहीं हुआ था उससे पहले इस्लाम इलाके का जो नाम था वो था रामकुंड. हाँ जी, इस्लामाबाद ही, मतलब इस्लामाबाद. पिछले दिनों बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस्लामाबाद. सीरियसली, जिस बंदे ने ये बात बोली ना इस्लामाबाद, वो बांग्लादेशी था. रियली? पिटीशन फाइल किया भाई, पता नहीं. पर मैंने जो देखा था ना, जो मैंने कमेंट देखा था, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि इस्लामाबाद क्यों है, इस्लामाबाद क्यों नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो. अच्छा, अभी हम कुछ काम भी चल रहा है साथ साथ में, और अभी हम जा रहे हैं. और अच्छा, ये सामने एक बिल्डिंग है, ये काफी पुरानी लग रही है. और रास्ते में आते हुए भी हम लोग काफी सारे, मैं कहूंगी कि हम लोगों को घर नजर ऐसे आए जो कि काफी पुराने पुराने, जैसे कि वॉल्ट सिटी में हमें नजर आया. अभी अगर ये बात करें तो ये देखें, ये घर जो है बने हुए हैं पुराने, और ब्लॉक्स देखें इसके. हाँ, अच्छा, अभी आई थिंक इधर से ये मंदिर. हाँ, ये मंदिर. और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर. वैसे पहले मंदिर के अंदर एंटर होने से पहले मान दी अपने आप को कवर करेंगे. मैं सर पे क्या रखूँ, कुछ भी नहीं. हेलमेट रख लूँ? अरे नहीं बाबू, मांडी के पास सिर्फ एक ही स्टाफ है. भी अंदर चलते हैं, चलते हैं अंदर. ये मांडी के अंदर और मांडी के पीछे पीछे मैं. आई डोंट नो, अब यहाँ से उसके अंदर ही है. हाँ, हम लोग ऐसे इतना चल कर आए हैं, हम बाहर से घूम कर आ रहे हैं. और अभी ये नहीं पता कि ये लोग अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे. नहीं वैसे करेंगे, जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने लंच करना है उसी रेस्टोरेंट के अंदर से भी ये रास्ता निकल रहा है. ये मंदिर का सितारा बना हुआ है. अंदर पुश नहीं है यहाँ पर, इधर कितना अच्छा लग रहा है ना. हाँ, जाते हैं.
शॉट ले लें तो फिर वैसे तस्वीर नहीं बनाएंगे सिर्फ। हाँ ये ऑफिस का धर्मशाला था। ये क्या था? मंदिर। ये धर्मशाला था। ये धर्मशाला था उन्होंने गाड़ी खरीदी। मस्जिद मस्जिद मंदिर अच्छा वो गुरुद्वारा है वो सिख का गुरुद्वारा। अच्छा वो गुरुद्वारा ये मंदिर है और ये क्या है? धर्मशाला ऑफर इसराइल जाने का धर्मशाला यार मतलब जहाँ पर वो पिलग्रिम्स आते हैं स्टे करने के लिए। तो ऐसे भी हम आपको दिखाते हैं धर्मशाला। ये कंक्रीट है, ये संगमर पर नहीं है, यहाँ से देखें टूटा हुआ। इसके ऊपर पेंडियम भी उनके दौर से हौसला 100 साल और उससे बहुत। अभी मैं आपको ये नहीं कहता हूँ ये 500 साल नहीं, ये हौसला 100 साल 500 साल से पहले किसी को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये जो यहाँ पर स्टैंड गए हाँ जी ये देखें सब इन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। शुरू मौर्य का लिखा हुआ लाला हमराज का लिखा, ये बाद के कमरे बने हैं, ये तकरीबन 1920 के आगे पीछे ही बने हैं। इस तरह ऊपर डबल स्टोरी में देखें हिंदी में लिखा हुआ अच्छा वो हाँ ये और जिन लोगों ने इसके लिए पैसे दिए थे उनके नाम लिखेंगे, जिन लोगों ने इसके लिए चला दिया था उनके नाम लिखेंगे। ये देखें नीचे नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनके नाम लिखे था क्या, जिन लोगों ने चंदा दिया था डोनेशन दिए जिन्होंने उनके नाम लिखे हुए हैं उस टाइम पे। नाम क्या क्या लिखा हुआ है? श्रीमती दर्दो देवी ने अपने पुत्री राम स्वामी राम के लिए यूनिवर्सिटी राम लिखा था। ये हौसला कुछ मियाँ वाली का आया था उसको पैसे कुछ दिए थे। लेकिन लिखा तो उर्दू ही है ना, हिंदी भी है ना, हिंदी भी अगर पढ़ सकते ये भी है। हाँ मतलब हिंदी नंदन ये लिखी हुई हिंदी। अच्छा किया कि आपने एक स्टैंड लगा दिया। ये इधर भी लिखा हुआ है कुछ ना, ये सीढ़ियों पर देखेंगे ये सारे सिखर ना सीढ़ियों पे भी सारा लिखा हुआ जी। यहाँ पर वो जो आपको दिखा रहा जो आप कुल की बात करेंगे लाला राम लाला शिंदास इस सारमल अर्थी रावल पिंडी भी ये नीचे भी लिखा हुआ है। ये लाला देवी दिता शाह डोडा शाह बदला रावल 170 रुपए ये जो पुराने दौर में सीमेंट और सॉरी सीमेंट करो मिट्टी चूना माश की दाल मिक्सचर माश की दाल पुराने दौर में वो जो आप कह रहे हैं जो माश की दाल के साथ बनी हुई है हाँ मिक्सचर जो है वो कौन सी वाली दीवार है? ये सारी दीवार सही। और अभी तो आपने ऊपर लेप कर दिया देखना। तो इतनी ज्यादा धूप लगी हुई कि अभी हम लोगों को गर्मी लगना शुरू हो गई है अभी हम लोग। अच्छा मैं एक बात बताना चाहूँगा, पीछे गुरुद्वारा है ये भी हम यहाँ से अंदर से जो है देख के आए हैं। तो ये बना हुआ है चूना चूना हाँ, मट्टी और माश की दाल का और पहले टाइम इनको मिक्स करके में बाहर गर्मी है अंदर नॉर्मल टेम्परेचर है बिल्कुल ठंडा था बल्कि मौसम इस दरख्त की छांव में खड़े होते थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ी हवा का मतलब अच्छी लगे। मैं लगता है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। हाँ खूबसूरती मुझे यहाँ की ये लगी है गाइस कि हम लोगों को यहाँ पे जैसे कि ये गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है
दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो हमें वहाँ पर पीछे कहाँ गया वो है, वो है, हाँ वो आई थिंक दरख्त है, वहाँ पर मंदिर भी नजर आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे मस्जिद है, यानी कि देखिए तीनों जगहें एक ही जगह पर हैं। और अच्छा, हम लोग जितनी भी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाते हैं मौज़म, या हम लोग मजहबी जगहों पर जाते हैं ना कुछ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक तालाब है, मतलब जहाँ पर पहले टाइम पे स्नान किया जाता था, हाँ, और अभी जो एक इस्लामाबाद का एरिया है वहाँ पर पानी वहाँ से दिया जाता है बिल्कुल। और यहाँ पे सेकंड जो उन्होंने है हमें कहा कि एक मैसेज जरूर दीजिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग जब भी यहाँ पर आए तो वो मस्जिद जगहों का ख्याल रखें और यहाँ पे शूटिंग ना करें, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। मतलब शूटिंग किस तरह की, ब्राइडल शूटिंग हो गई या यू नो टिकटॉकर्स जो होते हैं उस तरह वाली प्रॉब्लम्स। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे हम लोग अपनी सीक्रेट प्लेसेस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम अंदर जाते हैं, हम अपना सर कवर करके जाते हैं, मुझे लगता है बाकी लोगों को भी ना थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉटस्पॉट के अंदर, क्योंकि हमें बताया गया कि इधर से भी काफ़ी अच्छा एक व्यू आता है। चलिए ऊपर चलते हैं, पुरानी लग रही, नई नहीं लग रही, हाँ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं ना, व्यू बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है मौज़म कि ये हमारा बहुत एक अच्छा डिसीजन है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, एक्चुअली गाइस हम लोगों ने जाना कहीं और था, हम लोग रात को यहाँ पर आना चाह रहे थे, बट उबर वाले ने हम लोगों को बोला कि वापसी पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बाइक पर हम आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम नहीं, मैं नहीं आना चाह रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और बोलो पीछे से ऐसे व्यू दिखाएं ज़रा गाइस, इतना अच्छा व्यू है, पीछे पहाड़ और इस साइड पर घर हैं। और मतलब ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ से भी कोई ऊपर को रास्ता जाता है, स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ पे बता रहे थे पर मनाल को रास्ता जाता है, नहीं मनाल को तो नहीं जाता होगा। हाँ। नहीं यार, कहने का मौज़म तो हम अपना मैसेज कंप्लीट कर दें। तो गाइज बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी भी सीक्रेट प्लेस पर जाएं, चाहे आप अपनी जब जाते हैं तब तो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, लेकिन अगर किसी की भी सीक्रेट प्लेस, किसी और रिलीजन की सीक्रेट प्लेस पर जा रहे हैं तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सबको। देखो इस एज में वो देखें कैसे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह इस एज में भी आप इतने आराम से नीचे उतर कर आ रही हैं, 70 माशाल्लाह। हम लोगों को चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ मैं दुआओं में याद रखिए, अभी तो मेरा घर है और कुछ भी नहीं। हाँ ऊपर घर है ये पूरा, अभी हम ऊपर आ गए हैं, ये एक रास्ता और अब थोड़ी सी मैं मंदिर, ये गुरुद्वारा है। और यार मुझे फिर से वो मंदिर का शिकारा नजर, मंदिर के आगे दरख्त है ना यार, मुझे वैसे ये दरख्त बहुत प्यारा लगा है। हाँ दरख्त अच्छा है। अच्छा मैं कहता अब ऊपर चलते हैं, हाँ ट्रैकिंग थोड़ी करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते जा वैसे पाते। मौज़म ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं था पहले, क्योंकि इसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तौबा करें, आई थिंक अम्मा जी को देख के इसको थोड़ी शर्म आ रही होगी। तौबा करें, घुटने आपके दर्द करें क्या, मुझे नहीं है, मेरे घुटने दर्द भी करें ना फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ एडवेंचर के लिए। चलो कुछ भी नहीं है, हाँ मुझे भी लगता है कुछ भी नहीं है, ऊपर जाकर ऐसे बस टांगे ही तोड़ेंगे हम लोग। वो है ना, चले फिर आई थिंक चलो चलते ही हैं, फिर टांगे थोड़ी तोड़ लेते हैं हम अपनी। ऐसे मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत टाइम पहले हम लोग ना सैदपुर विलेज देखना चाहते थे, लेकिन तब पता नहीं क्यों हम लोग नहीं देख पाए। मुझे लगता है जैसे जैसे मौसम बूढ़े होते जा रहे हैं, एडवेंचर करते जा रहे हैं। सही बात है। मौसम आराम से आओ तुम, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। नहीं मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ तेंदुआ शेंदुआ निकल आए तो मैं कहूँगी भाई इसके बाद इसका गोश्त ज़्यादा खा लो इसको। मैं वहाँ हाँ फैट्स खाना बाकी छोड़ देना अभी, क्योंकि खाना खाने में काफ़ी टाइम है। मौसम आई थिंक ट्रैकिंग से ही बना हुआ है ना, ये मुझे लगता है मनाल पे जाता है रास्ता। सच बताओ? हाँ चले फिर चलते चलते चले आज चले देखते हैं, हो सकता है हम मनाल पहुँचे, बट मुझे नहीं लगता वैसे। Face to face in this trashy bar, another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the back. आज से पहले वो हमारा कैमरा शर्ट छीने। हाय मंकी प्लीज
आपको तो हाय हाय बाय हाय वी आर गोइंग बैक। वो देखो कितने बैठे हुए हैं। ओह माय गॉड, एक वो भी बैठा हुआ है। देखो बच्चे, वो तो बना रहा वीडियो, बना रहा हूँ वीडियो तो बन रही है। कितने सारे बंदर हमारे सर के ऊपर है ना कोई। हाँ पर ये तो छाल मारी है, बहुत बुरा है भाई। ठीक है बहुत अच्छा।